The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. ESR, erythrocyte sedimentation rate. ESR क्या है? ये एक ब्लड टेस्ट है जो के बताता है कि आपके रेड ब्लड सेल्स यानी कि इरिथ्रोसाइट एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें ब्लड सैंपल लिया है कितनी जल्दी नीचे बैठ जाते हैं. जी हाँ, सेडिमेंटेशन रेट है ये. सेडिमेंट होना, इरिथ्रोसाइट्स टेस्ट ट्यूब में कितनी जल्दी नीचे बैठ जाते हैं. ब्लड तो फ्लो होता रहता है तो वो ब्लड के बीच में घूमते हैं, लेकिन जब एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड ले लिया तो वो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंट यानी नीचे बैठ जाएंगे. नॉर्मली क्या होता है कि ये ESR स्लोली सेटल होता है, स्लोली बहुत स्लोली जाएगा, लेकिन अगर ये फास्ट हो रहा है बॉडी के अंदर तो उसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन चल रहा है. इन्फ्लामेशन इज नॉट इन्फेक्शन, लेकिन इन्फ्लामेशन आपकी इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स है जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी इन्फ्लामेशन होता है, आपके एलर्जी के अगेंस्ट भी इन्फ्लामेशन होता है, चोट लगने के अगेंस्ट भी इन्फ्लामेशन होता है. तो इन बहुत सारे कारणों से इन्फ्लामेशन हो सकता है. किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन बॉडी में कहीं भी चल रहा हो, ESR बढ़ जाएगा. सो ESR इज एन इंडिकेशन ऑफ ऑनगोइंग इन्फ्लामेशन, नॉट इन्फेक्शन. इन्फेक्शन भी लेकिन इन्फ्लामेशन कर सकता है. इन्फ्लामेशन एज आई सेड कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ अ क्रोनिक डिजीज या इम्यून डिसऑर्डर के वजह से भी हो सकता है. किसी क्रोनिक डिजीज जो भी आपकी बॉडी में चल रही है उनके वजह से, या एक इम्यून डिसऑर्डर के वजह से. क्रोनिक मान लीजिए आपको डायबिटीज है तो भी ESR थोड़ा थोड़ा बड़ा रह सकता है, राइट. इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिजीज है आपको तो भी बढ़ा हुआ रह सकता है, राइट. ESR ही को मेजर किया जाता है बॉडी के अंदर. इसके साथ एक और दूसरी चीज होती है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो भी इन्फ्लामेशन के लिए एक मार्कर होता है. ESR क्यों इस्तेमाल होता है, क्या काम है इसका? ESR हेल्प कर सकता है बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन डिटेक्ट करना. मान लीजिए आपको पेन हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मस्कुलर पेन है या ये एक्चुअली कहीं इन्फ्लामेशन, कहीं इन्फेक्शन हो रहा है, पेट में सिर्फ मरोड़े हैं, कॉन्स्टिपेशन है या कोई इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज है? तो उसमें ESR काम करेगा. अगर आपको आर्थराइटिस है, वेस्कुलाइटिस है, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज है, कोई ना कोई इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन या इंजरी है, तो ESR बढ़ा हुआ आएगा. नॉर्मल इस चीज़ में नहीं बढ़ा हुआ आएगा, राइट. तो और साथ ही ESR को कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. मान लीजिए आपको कोई बीमारी है जिसमें आपका ESR बढ़ा हुआ है, इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, इंजरी है, कुछ भी है, ESR बढ़ा हुआ है, आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, अगर ट्रीटमेंट सही चल रहा है, आपका दिक्कत कम हो रही है, तो ESR भी कम होना चाहिए. सो ESR कैन ऑल्सो बी यूज टू मॉनिटर एन एग्जिस्टिंग कंडीशन. सो उससे भी हमें आइडिया मिलता है. सेम गोज फॉर CRP. CRP भी मॉनिटर किया जाता है एग्जिस्टिंग कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए, ठीक. ESR तभी होता है जब हमें कोई डाउट लगता है कि कोई ना कोई इन्फ्लामेटरी बीमारी हो सकती है. ऐसे इस चीज को कई तरीके के सिम्टम्स के लिए किया जा सकता है, जैसे कि फीवर, हेडेक, वेट लॉस हो रहा है, जॉइंट स्टिफनेस, आपके घुटने जोड़ों में दर्द हो रहा है, गर्दन में, शोल्डर में दर्द हो रहा है, भूख नहीं लग रही, खून की कमी है. तो ऐसे में ESR भी एक टेस्ट जरूरी है. जब ESR होगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा, एज यूजुअल आपको याद रखना है, जब भी ब्लड टेस्ट होता है एक छोटा सा रिस्क होता है ब्लीडिंग का, दर्द होने का, दैट इज ऑलवेज देयर, राइट. अगर ESR हाई आता है, अगर ESI हाई आता है, दैट मीन्स इन्फ्लामेटरी मार्कर है, इन्फ्लामेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, इन्फेक्शन हो सकता है, जॉइंट पेन है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, एक्यूट फीवर विथ जॉइंट पेन रूमेटिक फीवर हो सकता है, वेस्कुलर डिजीज हो सकती है, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज, पेट की प्रॉब्लम, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, कैंसर्स भी हो सकते हैं ESR में. तो एक इंडिकेशन देता है, डायग्नोसिस एग्जैक्ट नहीं बनाता. सो हमें बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेके जजमेंट करना होता है. आपकी पूरी हिस्ट्री, आपकी पूरी की पूरी कंप्लेन, आपके सारे ब्लड टेस्ट के रिकॉर्ड्स, आपके अल्ट्रासाउंड, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, कि हमने आपको देखा, फिजिकली एग्जामिन किया तो उसमें क्या दिखा, क्या आपके बॉडी के अंदर कहीं चोट है, कहीं दर्द है. मान लो आपको पेट में दर्द है तो किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट. मान लो आप तो सर दर्द, दिमाग की प्रॉब्लम, तो मुश्किल है पेट में दर्द के लिए. तो ऐसे प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आइसोलेट होती है तो जॉइंट में आर्थराइटिस थोड़ी होगा, पेट में दर्द है। तो ऐसे लोकेशन से थोड़ा आइडिया और मिलता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो ESR हाई का मतलब इन्फ्लामेशन, लेकिन ESR स्लो भी हो सकता है। ESR स्लो का मतलब नॉर्मल से ज़्यादा स्लो है, उसका मतलब कि आपको हो सकता है कि कोई ब्लड डिसऑर्डर है, कोई ब्लड डिसऑर्डर जैसे कि पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया का मतलब है कि आपके केस में जो ब्लड सेल्स है बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं। पॉलीसाइथीमिया, पॉली मतलब ज़्यादा, साइथीमिया मतलब सेल्स, बहुत ज़्यादा सेल्स ब्लड के अंदर आ रहे हैं, पॉलीसाइथीमिया। सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स का शेप गलत आता है, एबनॉर्मल सेल्स आते हैं, उसमें भी ESR स्लो हो जाएगा। ल्यूकोसाइटोसिस, लिम्फोसाइट्स जो हमारे एबनॉर्मल WBCs नंबर में ज़्यादा हो जाएंगे तो भी बढ़ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये तीन चार चीज़ें होती हैं जिसमें बड़ा कम भी हो सकता है। अगर आपका रिजल्ट नॉर्मल रेंज में नहीं है तो उसका, फिर मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जिसके वजह से इलाज ज़रूरी है। प्लेन सिंपल थोड़ा बहुत राइज आपको फीमेल को मेंसेस में हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ESR बढ़ेगा, प्रेगनेंसी के दौरान ESR बढ़ेगा, खून की कमी में ESR बढ़ेगा, कोई भी छोटी मोटी चोट लग जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, उसमें ESR बढ़ेगा। सो और इवन कुछ दवाओं से ESR बढ़ सकता है, कुछ सप्लीमेंट्स से ESR बढ़ सकता है। अगर आप एस्पिरिन ले रहे हो, कॉर्टिसोन ले रहे हो, विटामिन ई ले रहे हो, विटामिन ए ले रहे हो, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हो, तो आपका ESR में गड़बड़ी आ सकती है। रिमेंबर दिस। सो नेसेसरी नहीं है कि ESR बढ़ा है तो दवाई लेना है, या ESR बढ़ा है तो बीमारी ही है। ESR डज नॉट स्पेसिफिकली डायग्नोसिस एनी डिजीज, इट जस्ट गिव्स एन आइडिया अबाउट whether or not it is because of inflammation हो रहा है या नहीं, बस इतना ही आइडिया देता है आपका ESR, ठीक। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हुई ESR के बारे में, रिमेंबर दैट। और ESR के अलावा और भी टेस्ट की ज़रूरत है किसी एक निष्कर्ष, किसी एक बीमारी के जड़ तक उस चीज़ को पहुंचने के लिए। सो ये हुई जानकारी ESR की, आई होप आपको पसंद आई, आई होप आप ये जानकारी शेयर करेंगे, आई होप आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और अपने कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। राइट, थैंक यू।